नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, बड़ी खुशखबरी आ गई है कच्चे कर्मचारियों के बारे में। हरियाणा रोडवेज के अंदर लगे सभी कर्मचारी, यानी कि पक्के कर्मचारी और कच्चे कर्मचारी, सभी के लिए, कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा कर्मचारियों को फिर से ओवर टाइम दिए जाने की योजना बनाई है और लेटर भी जीएम को लिख दिया है। मंत्री ने बड़ी खुशखबरी दे दी है। ये केवल 3 माह के लिए होगा। प्रतिदिन बसों का संचालन, यानी कि बस चलनी चाहिए 350 किलोमीटर तक। ओवर टाइम का मुख्य रूप लंबे व अंतर्राज्यीय मांगों पर दिया जाएगा। इट मीन साथियों, आपको बता दें, जो बसें लंबे रूटों पर चलती है, जैसे कि जींद से चंडीगढ़, इसके अलावा जींद से जयपुर, इसके अलावा हरियाणा के दूसरे राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में, दिल्ली में, जो कि लंबे रूटों पर चलती हैं, जो 350 किलोमीटर रूट को कवर करती हैं, उन चालकों और परिचालकों को मिलेगा ओवर टाइम। या वो ड्राइवर कच्चा भी क्यों ना लगा हो, किलोमीटर स्कीम के अंतर्गत जिसके अंदर परमिट और मालिक का होता है और पक्का कंडक्टर सरकार का होता है, उन ड्राइवरों को भी ये मिलेगा। 50% से अधिक नहीं होगा, 60 घंटे से अधिक ओवर टाइम नहीं मिलेगा, यानी कि 60 घंटे मिलेगा। इसका मतलब स्पष्ट है साथियों, यदि 1 घंटे के आपको 200 रुपये भी दिए जाएंगे तो 12,000 रुपये आपके बन गए। बड़ी खुशखबरी आ गई है कच्चे और पक्के कर्मचारियों के बारे में।